दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो चुका है, आपको प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली है। अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। अब बिहार की बारी है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर मंथन का दौर चल रहा है। शुक्रवार को महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं ने बैठक की। इस बैठक में आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी के मुकेश सहनी, हम के प्रमुख जीतन राम मांझी मौजूद रहे, लेकिन शरद यादव की अगुवाई में होने वाले इस बैठक में राजद की ओर से कोई नेता मौजूद नहीं था। इस बैठक में महागठबंधन में आपको शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, इस विषय पर चर्चा की गई। शरद यादव ने इस विषय को लेकर मनीष सिसोदिया से फोन पर बातचीत भी की। बैठक के बाद जानकारी मिली कि शरद यादव आज रांची जाएंगे और शनिवार को रिम्स में भर्ती लालू यादव से मुलाकात करेंगे। हो सकता है इस मुलाकात में भी आपको महागठबंधन में शामिल किए जाने पर लालू यादव से शरद यादव चर्चा करें। महागठबंधन नेताओं के लिए लालू यादव की राय बेहद अहम है। हालांकि बैठक के बाद शरद यादव ने कुछ भी कहने से किनारा किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सीएम पद की उम्मीदवारी पर जो शरद यादव के नाम पर कयास चल रहा है वो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल झूठ बात है कि मैं महागठबंधन का चेहरा बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की राजनीति करता हूं। आपको बता दें कि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाला है। तमाम दल इस ऊहापोह में लगे हैं कि चेहरे को लेकर और दल की स्थिति को लेकर बातें साफ हो जानी चाहिए। आपको भी पता ही होगा कि बीते कई दिनों से महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे तो महागठबंधन में सभी दलों के साथ होने का दावा किया जाता है, लेकिन फिलहाल राजद और कांग्रेस ने अपनी राहें अलग कर ली है। दोनों ही दल अकेले ही अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वही आरएलएसपी, हम और वीआईपी ने एक बार फिर से साथ आने का मन बना रखा है। शरद यादव बचे खुचे महागठबंधन के बीच संरक्षक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब इंतजार शनिवार का है, जब शरद यादव राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची के रिम्स अस्पताल में जाएंगे। अब देखना ये होगा कि उन दोनों के बीच में क्या कुछ बातें होती है। क्या वो बातें आपको महागठबंधन में शामिल करने को लेकर होती है, या फिर राजनीति में बिहार की राजनीति के लिए कुछ नया और कुछ अलग खुलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज।